ठीक, शांत रहोगे आवाज पूरी पीछे तक जाएगी, नहीं शांत रहोगे तो क्या बात, घर से पढ़ के आ गया है सर, ठीक है। ठीक है, आप आज ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, ठीक। ऑर्गेनिक में जो तुम लोग के अभी एग्जाम में आने वाली चीज है वो है IUPAC नॉन क्रेचर, ठीक है, IUPAC, ठीक। आधे से ज्यादा तो इसको IUPAC बोलते हैं, IUPAC, मतलब पता नहीं है कि IUPAC होता क्या है, किसी को इसका नाम फुल फॉर्म पता है, किसको किसको पता है, हाथ उठाओ, हरिओम पॉल बताओ, हाँ सही, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये एक यूनियन है जिसने एक सिस्टम बनाया है केमिस्ट्री का, यह जिसने सिस्टम बनाया है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी ब्रांच है कि इसमें अनगिनत हर साल लाखों कंपाउंड बन जाते हैं, नए नए तरह के कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बन जाते हैं। देखो हमको बताना ये था सिंपल आपको IUPAC सिस्टम, ठीक है, IUPAC नेमिंग सिस्टम थोड़ा सा समझा देना था ताकि एग्जाम में आएगा आप कुछ उसमें लिख सको, ठीक। लेकिन हल्का फुल्का बेसिक आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें इतने सारे कंपाउंड बन जाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक, एक मिनट बंद कर रहे हैं, कंपाउंड वाली बंद करें, लाइट आ जा रहा है, अरे अब जानकारी नहीं है क्या, ठीक है, बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंपाउंड में नहीं होगी, इतना तो अंग्रेजी जानते हो ना अक्षय कुमार, इतना अंग्रेजी जानते हो, कंपाउंड में नहीं होगी, जो हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग तरह के रसायन वही है ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड की खास बात क्या होती है, कोई एक खास बात बता दे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलो परिभाषा बता दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई परिभाषा बता दो। अरे भैया नाम तुम लोग बायो वाले हो, एक चीज देख रहे हो, इसमें ऑर्गन आ जाए, ऑर्गन कहीं यूज होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ कहां यूज होता है, बायो में ही यूज होता है। तो ऐसे यौगिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया जो जीव जंतुओं से पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक के बारे में, ठीक है। अभी हाल फिलहाल हमें क्या पढ़ना है कि इतने सारे यौगिक होते हैं तो सबका नाम अलग अलग याद कर पाना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक। अब जैसे इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, 200 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चों का मुझे नाम याद है क्या, तुम में से बहुत से ऐसे ही एक्सपीरियंस किए होंगे, मेरे पास आते हो तो पूछते रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, चेहरा ही पहली बार देखा है उनका, बात सुन रहे कि नहीं, चेहरा ही उनका पहली बार देखते हैं, नाम ही नहीं पता है उनका कि नाम क्या है। लेकिन अगर आपका नाम, इनका होता है 71 सिंह, इनका होता 72 सिंह, इनका 73, इनका 74, तो उनका क्या होता, अगर हम सिस्टम से नाम रखते तो उनका नाम याद करने की जरूरत थी, नया भारती 75 सिंह, बात समझा रहे कि नहीं, एक सिस्टम से उसका नाम पता चल जाता कि नहीं, ठीक, समझा रही बात की नहीं। yes, तो यानी कि अगर एक सिस्टम बना दिया जाए नाम रखने का, तो नेहा भारती आए चाहे ना आए, हम लोग बता सकते हैं कि वहां बैठने वाली लड़की का नाम 75 सिंह ही होगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो सिस्टम अगर किसी भी चीज का हम लोग बना लेते हैं तो नाम रखना क्या जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है, अगर बहुत सारे यौगिक हमारे कार्बनिक रसायन में मुन्ना लाल निषाद होते हैं तो, समझ में बात आ रही है।
तो यही कारण है कि इसमें हम लोग एक नया सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, तो अब नॉमिनिक्लेचर में बहुत गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक, क्योंकि टेंथ में थोड़ा बहुत या बहुत थोड़ा, ठीक है, पढ़े होगे तुम लोग, थोड़ा बहुत पढ़ी होगी, बहुत थोड़ा पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े, ठीक है, तो बताते रहना, मेरे दिमाग से उतर गया है, थोड़ा भूला जाता है कभी कभी, उम्र हो गई है ना आलोक बाबू तुम्हारी, तो भूल जाता है, ठीक है। सुबह एक ही सारे सर तुम्हारा फोन नंबर मांग रहे थे, तुम्हारा ही दिए थे ना, अब नींद में थे उस समय, अच्छा लग नहीं था, कोई बात नहीं, चलो। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक में जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, मान लो 10 लाख कार्बनिक यौगिक, ठीक, मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान लो, 10 लाख कार्बनिक यौगिक हैं, तो उन सबों में क्या चीज कॉमन होगी जो सब में है, कार्बन, सीधी सी बात है, कार्बन, कार्बन ही है जो सब में कॉमन है, यानी कि कार्बन ही इतने सारे कार्बनिक यौगिक बना पा रहा है। अच्छा, बाकी सारे तत्व सोडियमिक यौगिक, हाइड्रोजनिक यौगिक, ऐसे क्यों नहीं उसके रिलेटेड केमिस्ट्री को अलग पढ़ लेते हैं, कार्बन में कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो रहा होगा उसमें, कोई खास बात रही होगी रंजीत यादव कार्बन के अंदर, जिसके कारण वो इतने सारे यौगिक बना पा रहा है, ठीक। तो वो खास बातें क्या क्या थी, किसी को याद होगा तो वो बता देगा ना, वो अब रुकता तो बाकी सब में भी पाया जाता है, किसी को पता है यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन के बारे में, यूनिक बिहेवियर ऑफ, बाबू यहां से आएगा परीक्षा में, यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन, कार्बन के अंदर ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है, राजन खड़े हो जाओ, मैं तुमको तो 9th से पढ़ा रहे हैं, मान लो तुम कार्बन हो तो तुम्हारे अंदर ऐसा खास क्या है जो बाकियों में नहीं, नहीं पता, चलो बताते हैं, बैठ जाओ, समय बर्बाद होगा झूठ में। कार्बन की सबसे पहली खास बात यह होती है कि वो बहुत खास होता है, ठीक, समझ में आ रही बात, परीक्षा लिखोगे नहीं लिखोगे, सबसे पहली बात यह होती है कि उसकी टेट्रावैलेंसी, टेट्रा का मतलब चार, उंगली तो देख ली होती है, चलेगा ना ये अभी, चलेगा, टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है चतुःसंयोजकता, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, अरे चार होती है बोलना है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, जोर से बोलो, क्या बात, कार्बन की संयोजकता चार, क्लियर है, तो चार संयोजकता तो पूरे के पूरे ग्रुप 14 के तत्वों की होती होगी, बात समझ में आ रही कि नहीं, पहला है आपका चतुःसंयोजकता, ठीक है, राइटिंग की तारीफ मेरी तीसरे पीरियड में कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, बहुत प्रयास करने के बाद ऐसी राइटिंग, बात समझ आ रही है, ठीक, चतुःसंयोजकता मतलब इसकी संयोजकता चार होती है, ठीक है, चार संयोजकता होने के कारण होता क्या है, चार संयोजकता होने के कारण ये चार प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कार्बन की संयोजकता चार होती है जिसके कारण ये चार एकदम शुद्ध सह संयोजक बंध बना सकता है, एकदम चार शुद्ध, जैसे तीन अगर इसकी संयोजकता होती तो तीन इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता, पांच संयोजकता होती तो तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखता, लेकिन चार संयोजकता होने के कारण ये चार के चार बॉन्ड या चार के चार इलेक्ट्रॉन प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एकदम शुद्ध रूप से सह संयोजक बंध ये बनाता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, चतुःसंयोजकता हो गई। जो दूसरी खास बात है, दूसरी खास बात इसकी यह है कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, कैटेनेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है श्रृंखलन, क्या होती है श्रृंखलन,
श्रृंखलन, ठीक, कोई समस्या? श्रृंखलन, ठीक है, श्रृंखलन का मतलब क्या होता है? श्रृंखला से कुछ समझ में आ रही बात की नहीं, श्रृंखला से रिलेटेड होता होगा, ठीक है। मान लो अंग्रेजी में कैटेनेशन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हिंदी में तो श्रृंखलन है, श्रृंखला बनाने मतलब कार्बन एक ऐसा तत्व है जो एक चेन, मतलब एक है कार्बन, इसके बगल में एक और कार्बन आकर के बड़े आराम से जुड़ सकता है। किसी और तत्व में देखा है क्या था? सोडियम के बगल में सोडियम, सोडियम बगल में ऐसा चेन बनाता हुआ कोई देखा है क्या? जी, तो कार्बन के बगल में एक और कार्बन आकर के जुड़ सकता है। तो श्रृंखलन का मतलब होता है ऋषि, श्रृंखलन का मतलब होता है एक लंबे चेन या शाखित चेन बनाने की प्रवृत्ति। मतलब अच्छा, मान लो ये कोई यौगिक है, अब हाइड्रोजन हम नहीं बना रहे हैं यहां पर, मतलब कोई यौगिक ऐसा है जिसमें कार्बन ऐसे चार एक चेन में और एक शाखा में ऐसे जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही ना? एक शाखा में ऐसे जुड़ा हुआ है, ये एक तरह का यौगिक होगा। यहां पर एक और कार्बन हमने जोड़ दिया, ये एक अलग तरह का यौगिक बन गया, ये एक अलग तरह का यौगिक बन गया, यहां पर एक कार्बन जोड़ दिए, यहां पर एक कार्बन जोड़ दिए, एक और यौगिक। यही कारण है, मतलब मेन कारण समझ में आया, कार्बन इतने सारे यौगिक क्यों बना पाता है? क्योंकि कार्बन के अंदर श्रृंखलन की प्रॉपर्टी होती है। किसी और को समझना, इधर आओ, रजित इधर आओ, इधर आओ, सब काय नहीं बना, काय वाला कोई वाला काय जो हाइट में छोटा भी हो, आदित्य शर्मा इधर आओ, आदित्य शर्मा इधर आओ, इधर आओ, देखो ये आदित्य शर्मा है, ये पूरी तरह से कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं, ठीक है, और इनके पूरे शरीर पर अलग अलग तरह के कार्बनिक यौगिक हैं। देखो अच्छा, आप देखोगे अगर ये सर, सीधी सी बात है, कोई ना कोई कार्बनिक यौगिक ही है भाई, टेरिकॉटन या टेरिकॉट से बना होगा कुछ होगा भाई, बात समझ आ रही है? नहीं, शर्ट का कपड़ा क्या पैंट के कपड़े से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। पैंट का कपड़ा क्या टाई के कपड़े से मैच कर रहा है? नहीं। ये अलग हो गया, आई नॉट, ये बाल है जो इनका, ये बाल एक अलग तरह का ऑर्गेनिक यौगिक है, प्रोटीन से बना होता है, जानते हो भाई, केराटिन प्रोटीन से है। इनके मसल उसमें एक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मायोसिन नाम का एक प्रोटीन होता है। बात समझ आ रही कि नहीं? धातु का होगा ना, कहाँ जेब में? अच्छा ठीक है, जाओ, मतलब यहाँ पर चार पांच कार्बनिक यौगिक तो इन्हीं का, ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं? यहाँ पर ये जो माला बनी है ये अलग तरह के कार्बनिक यौगिक से बनी है। तुम लोग अगर अपने बैग देखोगे तो बैग का कलर, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में बेटा? हाँ, कोई कष्ट है तो काहे ऐसे एकदम पड़ी हुई हो? कोई टेंशन है नालायक? सुनो ध्यान से, देखो माइक नहीं चल रहा है, आवाज करोगे हमको और चिल्लाना पड़ेगा, और गुस्सा आएगा, और गालियां खाओगे, मजा आ रहा है? आदर्श गुप्ता जी सर, नहीं भाई यहां ध्यान दो, ठीक। तो दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, इतने सारे कार्बनिक यौगिक हैं। अरे भाई लकड़ी के ऊपर पेंट लगा है ये अलग होगा, तुम लोग के बैग का कलर देख लो अलग अलग है, बैग के कपड़े देख लो अलग अलग है, बात सुना रही? इवन चार लोग अगर बैठे हुए हैं तो चार लोग अपने शर्ट का कपड़ा मैच करें तो अलग अलग टाइप का कपड़ा उन लोग का निकल के आ जाएगा, ठीक है, मैच ना करने लगना, ठीक, कि निकाल के पूरा एकदम मैच करें, ठीक। सैंडो बंडी पहने हुए अंदर ये पहना कब, उसका कपड़ा अलग होता है, ठीक, बाकी और कहीं नहीं जाएंगे, देखो ध्यान से। तो ये हमारा श्रृंखलन की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। इसके बाद होता है आइसोमेरिज्म, वहां पर हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक एक बार और हम ढंग से जब जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे अलग से तब बताएंगे, अभी हमको आईपीएससी नेमिंग सिस्टम ही बताना है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है कि कार्बन की संलग्नता चार होती है और कार्बन के अंदर श्रृंखलन की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण कार्बन इतने सारे लाखों कंपाउंड बनाता है, लाखों तरह के यौगिक बनाता है, ठीक। अगर तुम लोग बाबू बाजार में गिलास लेने जाओ डिस्पोजल वाली,
तो डिस्पोजल वाली ग्लेशियर तुमको 10 तरह का दिखा देगा, 20 रुपया सैकड़ा, 25 रुपया सैकड़ा, 50 रुपया सैकड़ा, 100 रुपया सैकड़ा। और ये मस्त क्वालिटी का है, बादशाह ग्लासेस, बादशाह ग्लासेस 100 रुपए सैकड़ा मिलता है बादशाह ग्लासेस। कभी भी जाओ पीपीगंज मार्केट में तो बादशाह कंपनी के ग्लासेस जरूर लेना। हाँ, वो स्पॉन्सर्स नहीं है हमारे, ठीक है, पहले बता दे, नहीं तो मान लो वीडियो जो कोई देखा बाद में तो पता चले कि बादशाह ग्लासेस ने स्पॉन्सरशिप या स्पॉन्सर किया आपको उनका। बात समझ आ रही कि नहीं? तो बाजार में जाइए, बादशाह ग्लासेस जरूर लीजिए, अलग अलग क्वालिटी की आती है, अच्छी अच्छी क्वालिटी की आती है। उसमें पानी डालिए, गर्म डालिए, ठंडा हो जाएगा, ठंडा डालिए गर्म हो जाएगा, ठीक, एक बूंद डालिए पूरा का पूरा ग्लास अपने आप भर जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जब भी बैठिए सैटरडे नाइट तो कौन से ग्लास लीजिए? बादशाह ग्लासेस, ठीक। अब ध्यान से सुनो, पैसा मिला है, ठीक है, ध्यान से सुनो शिवम यादव। अब इसमें नाम लिखने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स, छोटे छोटे पद जान लेते हैं, ठीक। कार्बन के जान ले हम लोग, जान लिए हम लोग यौगिक कितने सारे होते हैं, अब कुछ छोटे छोटे पद जान लेते हैं। जैसे वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ल्ड रूट ये आ रहा है ना उसमें? यस सर। हैं? आत्मविश्वास नहीं दिख रहा तुम्हें? आ रहा है ना। वर्ल्ड रूट पहले देख लेते हैं, वर्ल्ड रूट क्या होता है। सबसे जरूरी चीज यही है, इसी से हमें पता चलेगा किसी भी यौगिक की पूरी डिटेल, कि चेन में कितने कार्बन हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पद जानना बहुत जरूरी है, ठीक। वर्ल्ड रूट, तो वर्ल्ड रूट हम लोग जानते हैं, अगर किसी चेन में एक कार्बन रहे तो वर्ल्ड रूट क्या जाता है? मेथ, नहीं मेथ, मेथ। दो रहे तो, तीन रहे तो, चार रहे तो, हैं? क्या बात, पांच रहे तो, पेंट, पेंट एक्स, सात रहे तो एक्स, आठ रहे तो, इसमें तुम्हारा 11 निकल जाना है, बोर्ड परीक्षा तक निकल जाना है। एक दो और बता के एहसान कर दे रहे हैं तुम लोगों को। 9 रहे तो मॉम हो गया, चलो समझ गया ना। टैक्स, अंड है, डोट है, चलो 12 तक हो गया, डोट है, ठीक। ये वर्ल्ड रूट याद रखना है, हर समय 24 घंटे याद रहे। कहीं पीपीगंज मार्केट में लड़की मिल गई तुम इधर बात कर रही है और पूछ लिया मैंने कि चार कार्बन है चेन में, उसका वर्ल्ड रूट बताओ, तो क्या बोलोगी? यहाँ पढ़ा रहे हैं, दिमाग कहीं और है, क्या बोल रही हो? अरे आप बता दो ना, चार कार्बन रहेगा तो वर्ल्ड रूट क्या आएगा? क्या आएगा? उसको छोड़ के पूरी क्लास बोल दे रही, लाज लग रहा है क्या? हाँ हाँ, आप पता चल गया, लग रहा है। पांच कार्बन रहे तो वर्ल्ड रूट क्या रहेगा बताओ? अच्छा एक एक सवाल का जवाब दे दो तुम लोग, बस एक सवाल का जवाब दे दो, तुम लोग इतने बेवकूफ हो क्यों? मतलब अलग से ये भी तुम लोगों को नहीं कह सकते, कौन तुम लोगों को पढ़ाता है? पढ़ाने वाले भी हम ही हैं, कहां से सब सीख के आते? मतलब देख करके अगर बोलना हो तो भी नहीं बोल पाओगे। 8 कार्बन का वर्ल्ड रूट बताओ अक्षय कुमार, बात सामने लिखा है, देख के बोलना है। ये छापने पर तुम लोग कहीं जोर दे रहे हो, ठीक है, छापने से ज्यादा याद रखने पर जो दो, मैथ है, प्रोब्यूट, पेंटेक्स है, ऑक नॉन डेक, अंडेक है और डोडेक है। डोडेक का बताना नहीं था, लेकिन एक यौगिक हम देंगे 12 कार्बन का, सिर्फ एक यौगिक कराएंगे, इसलिए हमने लिख दिया है। कोई दिक्कत?
वर्ग रूट में कोई समस्या किसी को? अब ये मत करना सर ये समझ में नहीं आया, ठीक ये नाम है, नाम में समझना नहीं होता है। पैदा हुए थे शिवशंकर बाबू तो मम्मी पापा ने नाम रखा था शिवशंकर, तो बोले समझ में नहीं, इसको समझाइए पहले मेरा नाम शिवशंकर है, ऐसा नहीं था। वर्ल्ड रूट के बाद, वर्ल्ड रूट के बाद अभी मौका मिलेगा हटाए नहीं है, डिलीट नहीं। वर्ल्ड रूट के बाद सबसे जरूरी चीज है, उसके बाद याद रखना है प्राइमरी सफिक्स, क्या याद रखना है? प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ये बड़ा आसान होता है, क्या होता है ये? क्या होता है? आसान होता है, छोड़ो जाने दो अगला टॉपिक, नहीं पता है। इतना आसान है कि बहुत आसान है, मन ही नहीं कर रहा, ठीक है ध्यान से सुनो। अगर अच्छा ये तीन ही होते हैं, एन इन आइन, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एन, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया इन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया आइन, ठीक ध्यान से सुनना बात, बिना नहीं भाई ध्यान दो। ये जो नॉमेनक्लेचर बता रहे हैं, जो बच्चे पहले से थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं उनको ज्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन जिन बच्चों के लिए ये एकदम से नई चीज है और जो जमाई ले रहे हैं, ना टाई है ना आई कार्ड है और सो रहे हैं ऐसे और ऊपर का बटन खुला है, छाती सारी हड्डियां दिख रही हैं, नहीं अगर तो देगर होते सीना ना फुलाते तो समझ में आता, मच्छरदानी डंडा जैसा शरीर और सीना खोल के चल रहे हैं। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये अब तो गारंटी ले ही नहीं सकते, ऑक्सीडेशन कर ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग को जब नहीं समझ में आया उसकी हम गारंटी ले लिए थे समझ में आ जाएगा। आईयूपीएसी नेम कितना परसेंटेज? 20% बच्चों को आ जाएगा, अरे 20% तुम लोग में 40 की संख्या हो जाएगी भाई, इतने ज्यादा हो तुम लोग का 20% 40 बच्चे होते हैं, ठीक है जो हो सकता है कि व्यवसाय की पूरी स्ट्रेंथ हो, ठीक तो 20% बच्चों को आईपीएससी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर उनको अभी भी कुछ भी नहीं पता है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक। आज दूसरा पीरियड भी हो सकता है कि पढ़ा दें ठीक है, जैसा बोलो तुम लोग के हाँ ना का इंतजार तो हम करेंगे, हम एक था। अब ध्यान से सुनो, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है इन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, ठीक कोई समस्या? ये प्राइमरी सफिक्स है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, ये एक फॉर्मूला लिख देंगे छोटा सा, ठीक है, और उसमें इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग को देखना है अल्किल ग्रुप, क्या देखना है? या अल्काइल ग्रुप, अल्किल समूह या अल्किल ग्रुप, ठीक है। इसको तने अंग्रेजी में पढ़ना, ठीक, क्योंकि नाम है, अब इंग्लिश में लिखोगे तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा ये, ठीक है, हिंदी में बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, डेका हेक्का लिखना पड़ता है तो लीप हो जाओगे तुम। अल्किल ग्रुप होता क्या, अल्किल समूह होता क्या, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग ये देखते हैं कि अल्किल समूह की पहचान कैसे करेंगे। अल्किल समूह, ध्यान से सुनना, अल्किल समूह किसी भी चेन के अंदर शाखा के रूप में रहता है। अल्किल समूह किसी भी चेन के अंदर ब्रांच के रूप में या शाखा के रूप में रहता है, ठीक है, कोई समस्या किसी को? ठीक,
जैसे एक दो तीन चार पांच। अगर मैं आपसे पूछूं कि शंकर बाबू तुम्हारा नाम भगवान का नाम है इसलिए तुमको हम कारीगरी नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारा नाम भूल करके कूट जरूर सकते हैं। क्या इसमें कोई अलखिल समूह है? है? दिख रहा है किसको किसको नहीं दिख रहा, किसको किसको दिख रहा है? ऐसे नहीं याद किया जाता है। जिसको दिख रहा है हाथ कर उठाओ, उठाओ। अच्छा बाकी सब क्या है? बैल। हमने क्या बोला है अलखिल समूह की पहचान कैसे करेंगे? किसी चेन के अंदर शाखा हो, ब्रांच हो, ये साफ साफ दिख रहा है। जैसे तुम में से कुछ बड़ा दिमाग लगाते हैं, पता नहीं ये शाखा है कि नहीं। शाखा तो पेड़ में होती है, मुड़ पर शाखा कैसे आ जाएगी? जब ना रहे दिमाग तो मत लगाए करो। ये चेन है, उसके अंदर एक ब्रांच निकली हुई है, ठीक है। भाई ये चेन भी तो नहीं है, जंजीर है क्या लोहे की? लेकिन चेन बोल रहे हो ना, तो इस चेन के अंदर एक शाखा है। समझ में आ रही है बात? इसमें अलखिल समूह है कि नहीं? अलखिल समूह है कि नहीं? जोर से बोलो, ठीक। इसमें अलखिल समूह है, समझ में आ रही बात कि नहीं? इसमें अलखिल समूह है। अरे चेन का ही पार्ट है, ठीक है, शाखा नहीं है। अब ये हाथ है मेरा, ध्यान से देखना, ये हाथ है कि नहीं है? इसमें भी नहीं पता कि मेरा हाथ है कि नहीं, हाथ है कि नहीं, ठीक। ब्रांच कैसे पता चलेगी? यहां से एक और हाथ ऐसे लटक जाए, ठीक। अगर हम इसको ऐसे कर दे तो शाखा निकल गई क्या हाथ में? तो वही तो किए हाथ में ना है। अरे ऐसे था, ऐसे करनी है, ठीक। तो शाखा हमेशा बीच में से निकलती है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कोई अलखिल समूह नहीं है। एक चीज और याद रखो, सचिन प्रजापति जिसके बाद से जिंदगी में कभी भी अलखिल समूह खोजना हुआ तो चुटकियों में खोज लोगे। कैसे खोज लोगे? चुटकियों में खोज लोगे। अगर तुम्हें कोई ऐसा कार्बन दिखा, अगर तुम्हें ऐसा कार्बन दिखा जो कम से कम तीन कार्बन से जुड़ा हो, कहीं पर भी खोज लो। अगर कोई ऐसा कार्बन दिखा जो तीन कार्बन से सदा शिव गधा अगर जुड़ा हो तो फिर क्या होगा? वहां पर अलखिल समूह होगा। ये तीन कार्बन से जुड़ा है? उन्होंने यस सर बोला है। कॉम्प्लेक्स के पीछे कहते क्या सुबह सुबह? ये कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कितने से? अरे अंधे हो क्या यार, कितने कार्बन है? ये कितने कार्बन जुड़ा है? ये कितने कार्बन जुड़ा है? कितने कार्बन से जुड़ा है ये? इधर आ, इधर आ, इधर आ, सबसे पीछे बैठा इधर आ। हाँ और क्या, इधर आ, इधर आ, दौड़ क्या, समय नहीं है, चार दिन की जिंदगी है, एक दिन तो तुमको आने में ही लग जाएगा, इनको टाई चाहिए। इधर आ, आवाज नहीं। ये पांचों कार्बन से जुड़ा है ना, वो पांचों कार्बन जरा दिखाओ, पांचों कार्बन कहाँ है? पांच बोल रहे थे ना, एक तो व्रत है, एक समोसा बन रहा है। पांचों कार्बन दिखाओ, कहाँ है पांच? देखो यहां पर ध्यान से, ये एक चेन है, चेन में निकली है क्या? शाखा। क्या निकली है? शाखा। शाखा है ये, चेन का हिस्सा है कि नहीं? चेन का हिस्सा है ना। शाखा की पहचान क्या है? एक ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा हो? तीन कार्बन से कम तीन कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब उसमें शाखा है, ठीक। अब अगर हम ये कहें कि कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग अगर इधर से देखें तो एक दो तीन चार चौथे कार्बन से, इधर से देखें तो एक दो तीन चार
दूसरे कार्बन से। तो एक रूल याद रखो जिसको कहा जाता है लोवेस्ट सम रूल। क्या कहते हैं? लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, इसकी जरूरत यहां पर तो फिलहाल नहीं दिख रही है क्योंकि अगर एक से ज्यादा अल्किल ग्रुप और ब्रांचेस रहती है तब वो लगाते हैं, लेकिन जहां से कोई भी शाखा नजदीक होती है नंबरिंग हमेशा वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो नंबरिंग है ये नंबरिंग गलत है और ये वाली जो नंबरिंग है ये नंबरिंग सही है। मतलब कार्बन हमेशा किधर से शुरू करेंगे? इधर से काउंट करना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। अब यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, उस फॉर्मूले को जरूर लिख लेना और आईयूपीएसी नेम पढ़ते समय ध्यान से मेरी बात सुनना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय वो फॉर्मूला तुम्हारी कॉपी के एकदम ऊपर लिखा रहना चाहिए। 15 से 20 नाम जब लिख लोगे, ठीक है, 15 से 20 नाम लिख लोगे अगर ढंग से समझ करके तो फिर तुम्हें उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़नी है। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन वो 15 से 20 नाम हमको ढंग से लिखने पड़ेंगे फॉर्मूले की सहायता से। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला हम लोग लिखते हैं जो फॉर्मूला है पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप। सबसे पहला क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप। पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप। कोई समस्या किसी को? पोजीशन जैसे ग्रामर में तुम लोग पढ़ते होगे, पढ़ते हो ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब पता है क्या प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से पढ़ते हो ना, सेम वही फॉर्मूला यहां पर हम लोग लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप, नंबर एंड नेम ऑफ अल्किल ग्रुप, नंबर एंड नेम ऑफ अल्किल ग्रुप। कोई समस्या? नंबर एंड नेम ऑफ अल्किल ग्रुप। प्लस वर्ल्ड रूल क्या लिखेंगे? वर्ल्ड रूल के बाद प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से थे? एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। कोई समस्या? प्लस यहां तक अभी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसके आगे फिर हमारा क्रियात्मक समूह का नाम सुना है? ठीक है, जब उसका नाम बताएंगे कम से कम हम 50 से ऊपर बिना क्रियात्मक समूह के ही प्रैक्टिस अभी हम लोग करेंगे 50 के ऊपर। ठीक है, बिना क्रियात्मक समूह के ही प्रैक्टिस उसकी की जाएगी। जरा बाबू आलोक एक बार कौन सा बोल दो कि सर आज सेकंड पीरियड जो है सर पढ़ाना, पूछना उनसे कि पंकज सर पूछ रहे थे कि सेकंड पीरियड भी पढ़ा देंगे, बस पूछना उनसे, ये मत कहना कि पढ़ाएंगे। इसके बाद है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल के लिए ना ऑल होता है, एल्डिहाइड के लिए अल होता है, ये सब पढ़े थे ना लास्ट ईयर। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। तो जब क्रियात्मक समूह आएगा ठीक तब हम उसकी जरूरत हमें पड़ेगी, तब हम इसको ढंग से एक बार और देख लेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? प्लस सेकेंडरी सफिक्स ये लिख लो, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़नी है। कोई समस्या? ठीक है, अब जब कोई समस्या नहीं, ये फॉर्मूला लिखे रहो, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने रहना चाहिए। सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स को हिंदी में पढ़ते हुए प्रत्यय जो लास्ट में लगता है ना, ये फॉर्मूला लिखिए सब।
अब इसके बाद उदाहरण लेकर के चलते हैं हम लोग, उदाहरण लेकर के चलते हैं, एक एक उदाहरण लेकर के चला जाए, जितना पूछेंगे उतना बताते जाना और इसको पैरेलल लेकर के चलना, साथ में मतलब लिखते भी चलना, पढ़ाएंगे ठीक है। चलो जब तक समय आ रहा है तब तक देख लिया जाए, एक छोटा सा कंपाउंड लिखते हैं, ठीक फोर्थ पीरियड पढ़ा देंगे हम, चौथे पीरियड में आ जाएंगे हम, ठीक है। एक छोटा सा कंपाउंड यहां पर लिखते हैं, CH3, CH2, CH3, जितना पूछेंगे ईमानदारी से जितना समझ में आएगा उतना बताते जाना। क्या इसमें कोई अल्किल समूह है? नहीं है। बात समझ आ रही है? नहीं। कोई अल्किल समूह है? नहीं। अल्किल समूह की पहचान कैसे करते हैं? शाखा निकली होती है, एक कार्बन से तीन कार्बन जुड़ा होता है, यहां कोई ऐसा कार्बन नहीं, ये एक से जुड़ा, ये दो से, ये एक से। क्या इसमें कोई अल्किल समूह है? नहीं। पीछे वाले को दिख रहा है अल्किल समूह इसमें कहीं? यानी कि अल्किल समूह का काम हमें करना ही नहीं है कुछ। क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है? अब सुनो, क्रियात्मक समूह की पहचान कैसे करते हैं, एक लाइन दिमाग में अपने बैठा लो। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में, इतना समझ में आया, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अगर दिख गया तत्व, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, समझ में आ रही बात कि नहीं पीछे, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई तीसरा तत्व दिख गया, इसका मतलब उसमें क्या है? क्रियात्मक समूह है। समझ में आ रही बात कि नहीं? क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा तत्व है? यानी कि क्रियात्मक समूह वाला भी काम यहां पर खत्म। यानी कि आप शुरुआत कहां से करेंगे? वर्ल्ड रूट से, ठीक। समझ में आई बात कि नहीं? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूले में किसका किसका उपयोग हमें करना है, किसका उपयोग करना है? वर्ल्ड रूट। तीन कार्बन है कि नहीं है? है कि नहीं? तीन कार्बन के लिए वर्ल्ड रूट क्या होता है? प्रोप। कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? दिख रहा है? अब दिख रहा है कि नहीं? यानी कि तीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। बहुत मुश्किल था क्या? असल में बहुत आसान था ही, ठीक है। बैंड बजनी अभी बाकी है, समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये छापते चलो साथ में। दूसरा कंपाउंड, क्या इसमें कोई अल्किल समूह है? अल्किल समूह है? अरे यहां सब बोलो ना, यानी कि यहां से यहां तक का काम नहीं करना। कोई क्रियात्मक समूह है? क्रियात्मक समूह है? यानी कि क्रियात्मक समूह वाला भी काम नहीं करना है। शुरुआत कहां से करनी है? कहां से करनी है? कितने कार्बन है? चार कार्बन के लिए वर्ड रूप देख के बताओ। ब्यूट। कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? यानी कि इन और एन का काम नहीं करना है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? ये आसान है, क्योंकि आसान है, अभी बैंड बजने बाकी। हिंदी वाले में, ठीक है, इसके आगे चौथे पीरियड में आएंगे पढ़ाने, ठीक है। यहां पर एक फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ था, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। यहां पर फॉर्मूला था पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप प्लस नंबर एंड नेम अल्काइल ग्रुप प्लस वर्ड रूट प्लस
क्या बात हो रही पीछे, प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। प्लस सेकेंडरी सफिक्स मतलब यही फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वही। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप तक तो अभी हम लोग पहुंचे नहीं है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल कल हुए थे उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कितने हुए थे, तीसरा लिखते हैं यहां पर CH3, CH2, 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 CH3। अब एक बात बताओ, क्या इसमें कोई अल्किल ग्रुप है? अल्किल ग्रुप है? नहीं है। मतलब अल्किल ग्रुप का काम यहां से यहां तक का हमें करना ही नहीं। जब अल्किल ग्रुप ही नहीं है तो उसका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। जहां जहां अल्किल ग्रुप है वो हम लोग रूल फॉलो करेंगे ही नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं? क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप है? कैसे पता चलेगा फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? कल बताए थे। हाँ, तो कैसे पता चलेगा? यस सर, बोलो इसका चलेगा, बताओ अरे बताओ अरे बता तत्व आ जाए तो दूसरा नहीं तीसरा तत्व। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई तीसरा तत्व रहता है, समझ जाओ कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। तीसरा तत्व भी बहुत ज्यादा होते नहीं, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, यही सब रहता है। ठीक, अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा तत्व है इसका मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा तत्व दिख रहा है, यानी कि यहां से यहां तक का भी काम हमें नहीं करना है। सिंपल दो ही चीज करनी है, वर्ड रूल। कितने कार्बन है जरा काउंट करो, कितने कार्बन है? पांच कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगता है? क्या लगता है? अरे आए थे कल की नहीं आए थे? तुम आए थे? तुम आए थे तो बोल क्यों नहीं रहा है? पांच कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगता है? प्राइमरी सफिक्स तीन थे, एक था एन सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए क्या था? थीन। आइन था ट्रिपल बॉन्ड के। यहां पर कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? यानी कि क्या लगेगा? एन। कोई समस्या? ठीक, आसान है। क्या इसमें कोई अल्किल समूह है? अल्किल ग्रुप है? दिख रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि अब हमें यहां से यहां तक का काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अल्किल समूह कहां पर दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये रहा, इसको भुलिया दो ऐसे। ठीक, अल्किल समूह के अलावा बाकी जो ये जो भी है ये क्या है? ये चेन है। चेन के अलावा ये ब्रांच है। कोई समस्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलो अब देखते हैं यहां पर पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप, मतलब किस पोजीशन पर अल्किल समूह है, मतलब वो कार्बन की कौन सी संख्या है जिस पर ये जुड़ा हुआ है। तो अगर इधर से हम काउंट करते हैं तो तीसरे कार्बन पे, और इधर से काउंट करते हैं तो दूसरे कार्बन पर। तो जहां से नजदीक होता है हम लोग उसी काउंटिंग को प्रेफरेंस देते हैं। ये बताया था हमने पहले दिन लोएस्ट सम रूल के बारे में, क्या 1, 2, 3, 4 यही नंबरिंग सही होगी। इधर से नंबरिंग अगर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक, तो पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप मतलब इतना ये काम। पोजीशन क्या है? 2। किस पोजीशन पर है? 2। सेकंड पोजीशन पर है, लिख देंगे 2। कोई समस्या? नहीं समझ? आकाश सानी कहां? समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है। दूसरे वाले आकाश सानी कहां? समझ में आया? ठीक, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अरे दूसरे पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो 2 लिख देंगे। ठीक, अब है नंबर एंड नेम ऑफ अल्किल ग्रुप।
कितनी शाखाएं जुड़ी हुई हैं? एक ही है, और कहीं से तो ब्रांच निकला नहीं है, ठीक है। तो नंबर एक ही हो गया, तो एक नंबर के लिए कुछ नहीं लिखते, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, ठीक है, चार के लिए टेट्रा, दो में ही तुम्हारा दो निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तीन तक पहुंचोगे ही नहीं, एक के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेम लिखना है, नंबर नहीं लिखना है, एक के लिए लिखने की जरूरत नहीं। नेम, कितने कार्बन है इस ब्रांच में? ब्रांच के अंदर देखो कितने कार्बन है, एक है। एक कार्बन के अल्किल ग्रुप का नाम अगर हमें लिखना हो, यहां पर देख लो, अगर एक कार्बन का अल्किल ग्रुप है यानी कि CH3 है, तो एक कार्बन है इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, क्या हो जाएगा? दो कार्बन का अल्किल ग्रुप है यानी कि CH2CH3, या फिर कह सकते हो C2H5, ठीक, इसका क्या हो जाएगा? इथाइल, क्या हो जाएगा? तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। चार कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। कोई समस्या? इसमें ब्रांच में कितने कार्बन हैं? कितने कार्बन हैं? कितने हैं? एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। यानी कि यहां से अल्किल ग्रुप का काम हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या है? वर्ल्ड रूट। चेन में कितने कार्बन हैं? चेन में कितने कार्बन हैं? कितने हैं? ब्यू। प्राइमरी सफिक्स एन लगेगा कि आइन लगेगा कि इन? क्या लगेगा? नंबर और वर्ड के बीच डैश लग जाता है, टू मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोल नहीं, लड़के नहीं बोल रहे हैं, वो ईमान के बैठे कि हमें समझ में खाली ट्यूशन और कोचिंग में ही आएगा, यहां समझ में नहीं आने वाला, और समझ में एक्चुअल में वहां भी नहीं आएगा, ये मान करके बैठे हुए हो। आए समझ में? ठीक है, अगला देखते हैं। चाबी इसको पांचा देखो, क्या इसमें कोई अल्किल समूह है? दिख नहीं रहा क्या? है अल्किल समूह? तो बोल क्यों नहीं रहे हो जोर से? अल्किल समूह है, किस पोजीशन पर है? दूसरे पर, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से, टू, ठीक। कौन सा है? मिथाइल है, इथाइल है कि प्रोपाइल है? क्या है? कैसे पता चला? एक कार्बन है, ब्रांच में कितने कार्बन है? एक कार्बन है, टू मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? कितने हैं? तीन के लिए वर्ड रूट। क्या है वर्ड रूट? सब नहीं बोल रहे हो, एक एक करके नहीं, एक साथ बोलो। तीन कार्बन के वर्ड रूट क्या लगेगा? एन लगेगा कि इन? कौन भैंसा आ गया यहां पर? कौन है भैंसा? सो तुम हो? कोई है यहां पर असुर? तो मिथाइल प्रोपेन, छापो जल्दी से, हमने बोला था पैरेलल चलते रहना, जैसे जैसे लिखवा रहे वैसे वैसे लिखते चलना। रिकॉर्ड हो रहा है ना? दबाया था ना? ये भरोसा नहीं है इसको। अब सुनो ध्यान से, अल्किल ग्रुप वाले तो कर ले रहे हो, तुमको देख लेते हैं। CH3 क्या इसमें कोई अल्किल ग्रुप है? कितने हैं? दो हैं। दोनों अलग अलग कार्बन पर हैं कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों अलग अलग कार्बन पर हैं,
यहाँ पर एक है एल्केल ग्रुप, इस एल्केल ग्रुप में कितने कार्बन, यानी कि एक मिथाइल ये और एक मिथाइल ये, टोटल कितने मिथाइल हो गए, यानी कि डाई मिथाइल। दो के लिए डाई लगाते हैं, तीन के लिए ट्राई लगाते हैं, दो के लिए क्या लगाते हैं, तीन के लिए ट्राई, ठीक। अच्छा अब है पोजीशन की बात है ना, सबसे पहले क्या है पोजीशन ऑफ एल्केल ग्रुप, एक दो तीन चार, कौन कौन सी पोजीशन पर है, दो और तीन, तो दो और तीन लिख देते हैं यहां पर, टू कॉमा थ्री, दो नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे, दो वर्ड्स के बीच में कॉमा लगा देंगे, ठीक है, और एक नंबर और एक वर्ड्स के बीच में सिंपल डैश लगा, टू थ्री डाई मिथाइल, कितने कार्बन है चेन में, चार के लिए वर्ड रूट, चार के लिए वर्ड रूट क्या लगता है रितेश, क्या लगता है चार के लिए वर्ड रूट, कॉपी है लिखे हो तो देख के बताओ, आप उससे पूछो, ब्यूटेन, तो थे डायमिथाइल ब्यूटेन। थोड़ी देर और हम बस ऐसे एक एक चीज डिटेल में समझाएंगे, बात समझ आ रही है ना, उसके बाद से फिर यहां पर लिखते जाएंगे, चार पांच बच्चे नाम बताएंगे बताएंगे, यही सिस्टम है, यही चलता है, हमेशा से यही चलता आ रहा है, क्योंकि पीछे वाले लगभग 100 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। विजयनाथ मिश्रा हफ्ते में एक दिन आओगे तो कुछ समझ में आएगा, चलो अब और दो तीन कर लिए जाएं, ठीक, कितने हो गए हैं, इसमें एल्केल ग्रुप है कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, कोई एक या दो बच्चे ऐसे हैं जो दो बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे थे कितने हैं, अब वो चुप हो गए, कौन था वो जो दो बोल रहा था, कल आए थे, हाँ या ना, जेठालाल की तरह बोल रहे हो, हाँ आए थे कल, तो कुछ ऐसे ऐसे वाला याद है बता रहे थे, तो ये एल्केल समूह नहीं है, ये चेन का ही हिस्सा है, कितने एल्केल ग्रुप हैं, एक एल्केल ग्रुप है बस, ठीक, कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ठीक, कोई इसका नाम बताया जरा, चार पांच सेकंड के अंदर बताया करो यार, आ रहा हो तो, तुम तो कल आए थे रमाकांत, आ रहा हो तेजी से बोलो, घुंधुर घुंधुर ना करो, टू मिथाइल हेक्सेन, कितने लोग का ये आ गया, टू मिथाइल, अच्छे साल साल कितने लोग का आ गया, टू मिथाइल हेक्सेन, इतना चिल्ला चिल्ला बताने के बाद तो 8 से 10 बच्चों का आया बस, पोजिशन ऑफ एल्केल ग्रुप टू, कौन सा है, मिथाइल, ठीक, चेन में कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, वर्ड रूट हो जाएगा, ऐसे लाइन से चलते चलना है बस, कोई बहुत मुश्किल यह है ही नहीं, ठीक, एक और देते हैं, अरे हम नहीं साइड होंगे बाबू, हम साइड जाएंगे तो तुम आप लिखोगे, साइड हो जाएगा, क्या इसमें कोई एल्केल समूह है, किस कार्बन पर है, कितने एल्केल समूह हैं, ठीक, दो हैं, इस एल्केल समूह में कितने कार्बन हैं,
इस अल्किल समूह में कितने कार्बन है? एक। यानी कि दो अलग अलग अल्किल समूह है, दो अलग अलग शाखाएं हैं और दोनों में एक एक कार्बन है और दोनों दूसरी पोजीशन पर ही जुड़े हुए हैं, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। टू टू दो अल्किल समूह है, दोनों दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए हैं। टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन। कोई समस्या सदाशिव? कोई समस्या है? ठीक है, छाप लो, हो गया। जब अब और लिखने जा रहे हैं, बातचीत क्यों करने लगते हो? या तो आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा। आ रहा होगा तो चुपचाप बैठे रहो, नहीं आ रहा है तो बैठे रहो चुपचाप। ठीक, ध्यान से सुनो, कलर चेंज कर। ठीक है भाई, कितने हो गए? तो देखिए नहीं रहा, रेड नहीं रेड होता, रेड माने होता है छापा मार और रेड मतलब होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाबू ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर ये चीजें बोली जाती हैं। हम लोग जानते हैं सारी चीजें, हम लोग जानते हैं कॉट थीटा होता है पर हम बोलेंगे काट थीटा, बस में आ रही। हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा होता है पर बोलेंगे कास थीटा, समझ में आ रही बात की नहीं। हम जानते हैं कि एडजस्ट होता है पर अडजस्ट बोलेंगे, जानते हैं। लेकिन एक अब हम लोग के अंदर जाहिलपना भी तो है, हम लोग मतलब तुम लोग, ठीक है, वो जाहिलपना के कहां से दिखेगा? ठीक, हम जानते हैं कि ब्लैक पेन दो जी बोलना ज्यादा अच्छा लगता है करिका पहनवा दो जी से बोलना, पर नहीं ए करिका पहनवा देना लास्ट में अपना टोन जरूर ऐसे बोलेंगे देना और ब्लैक पेन देना ये भी चलता है, लेकिन नहीं। क्या बोलोगे अक्षय कुमार? ब्लैक पेन देना। अरे काला पेन देना भी बोला जा सकता है लेकिन नहीं, तरीका पहनवा। ध्यान से सुनो, सिल्वर हेयरबैंड यहां ध्यान दो, CS3 CH2 CH क्या इसमें कोई अल्किल समूह है? किस कार्बन पर है? तीसरे कार्बन पर है, इधर से चौथा इधर से तीसरा। उस अल्किल समूह में कितने कार्बन है? दो। कितने कार्बन है? दो। ये ब्रांच है, इसमें दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए अल्किल समूह का नाम क्या लगता है? इथाइल। समझ में बात आ रही कि नहीं? यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 इथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल हेक्सेन, 6 है ना? ठीक है, छाप जाओ जल्दी से, अब जल्दी जल्दी छापो भाई, आगे भी तो पढ़ना है। हो गया, बहुत अच्छे, नहीं तो छा जाना करो, जल्दी छाप लिया करो, मेरे साथ ही चल रहा करो। ठीक है, ठीक है, अब सुनो ध्यान से। आदर्श गुप्ता, एक गांव में पेड़ होता है जिसको कहीं भी फेंक दो उखाड़ के वो उगता जरूर है। रड़वा फेंक दो, अपने कपड़ा फेंक दो, व्यंजन के ऊपर फेंक दो,
चाहे रमाकांत दुबे के ऊपर फेंक दो वो उगेगा जरूर, ठीक है समझ लो। दसवां देखा जाए, दसवां अब ये देखते हैं कि ये कौन बताता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से भाई, यहां पर अब लोएस्ट समरूल हम लोग लगाएंगे, जो हमने बताया था ना लोएस्ट समरूल, जितनी पोजीशन आएंगे गिन करके उन सबको जोड़ देंगे, जिस पोजीशन का सम क्या होगा कम होगा, हम लोग नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे। लेकिन यहां ऐसी कोई समस्या नहीं, यहां से इधर का नजदीक है, इधर से शुरू कर देंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। याद है ये तो पता है कि दूसरे पर मिथाइल है और तीसरे पर, दूसरे पर मिथाइल और तीसरे पर बोल नहीं पा रहे, टू मिथाइल थ्री इथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, टू मिथाइल थ्री इथाइल, एक दो तीन चार पांच छह हेक्सेन, क्या हो जाएगा इसका नाम, टू मिथाइल थ्री इथाइल हेक्सेन। अच्छा एक और चीज संभव हो सकती है, थ्री इथाइल टू मिथाइल हेक्सेन, इसको यह भी लिखा जा सकता है। अब कंफ्यूजन आ जाएगी कि पहले मिथाइल को लिखे कि पहले इथाइल को लिखे, मोहिनी पहले मिथाइल को लिखे कि पहले इथाइल को लिखे, तो संभावना निकल करके आ रही है। तो जब दो अल्किल समूह आ जाए, ध्यान से सुना, बीच बीच में सारे नियम बताते रहेंगे ऐसे, जब दो अल्किल समूह आ जाए तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, तो मेथ में एम और एथ में ई पहले आता है, ठीक है। तो ई पहले आता है या एम पहले आता है अल्फाबेट ई, तो ई वाले को हम लोग सही, तो इसका नाम हो जाएगा थ्री इथाइल टू मिथाइल हेक्सेन, समझ में आएगा। अब इसके बाद जितना भी समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, दो या दो से अधिक अगर अल्किल समूह रहते हैं तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, ठीक। मेरे रूप चढ़ा दें गाड़ी ऊपर, भाग जाएंगे बहुत तेजी से, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज अलग से बताने जा रहे हैं, तुम लोगों ने एक चीज ध्यान दी होगी कि जो भी नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हाइड्रोजन का तो कोई रोल है नहीं, हाइड्रोजन की संख्या तो हम लोग को देखना ही नहीं, हाइड्रोजन को तो कहां है, हम लोग झूठ में हाइड्रोजन लिख के चल रहे हैं, ठीक। हम लोग को किस चीज से मतलब है, सिर्फ कार्बन से, सिर्फ किससे मतलब है, किससे मतलब है, कार्बन से मतलब है, कोई समस्या। तो जब खाली कार्बन से ही मतलब ही है तो खाली कार्बन लेकर चला जाए, अच्छा उसके बीच के बॉन्ड से भी मतलब है, मान लो एक रहा तो एन, डबल बॉन्ड रहा तो एन, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो आइन, तो उसके बॉन्ड से मतलब है, यानी कि हम लोगों को सिर्फ कार्बन और उसके बीच के बॉन्ड से ही मतलब है, तो हम लोग सिर्फ वही लिखे, हाइड्रोजन लिखवा ना करें, बात सही है कि नहीं, अच्छा ठीक है। कार्बन के, अच्छा नॉमेनक्लेचर में हम लोग को कार्बन की चेंज चाहिए, तो बार बार सी लिखने से अच्छा है हम कार्बन को एक अलग से चीज से समझ लें, कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन को एक डॉट से ऐसे समझ लेंगे, कार्बन को किसे समझ लेंगे ऐसे, एक डॉट से ऐसे समझेंगे कार्बन। अब ये एक डॉट है, इसका मतलब ये क्या है, एक कार्बन है, बाकी सब इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं। ये कितने कार्बन की चेन हो गई, कितने कार्बन की चेन हो गई, समझ में बात आ रही कि नहीं। अब ये हो गया इथेन, क्या हो गया, ठीक है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, तीसरा कार्बन,
ये कितने कार्बन की चेन हो गई? कितने कार्बन की चेन हो गई? कितने कार्बन की? क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या? इसका नाम? इसका नाम आसान हो गया कि नहीं मेरे लिए? क्वेश्चन देना आपके लिए तो वही चीज है, बताना तो पड़ेगा ही। बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक। अच्छा, अल्किल समूह कैसे पता चलेगा? अरे एक लाइन आ गई इसको, ऐसे एक अल्किल समूह आ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? कोई बताया शंकर? टू मिथाइल, टू मिथाइल, टू मिथाइल, टू मिथाइल, टू मिथाइल। तो सब बोलो ना, टू मिथाइल। हाँ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। सेकंड कार्बन पर एक बात फिर कौन करने लगा? अरे नहीं यार, तुम्हें चुपचाप बैठे रहो, अगले में समझ में आ जाएगा। सेकंड कार्बन पर एक अल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? टू पेंटेन, टू मिथाइल। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, इसको छाटो जरा। क्या कभी अगर पलट के ऐसी कौन सी जगह रख ले रहा हो कि निकालना पड़ रहा है हर बार नाम लिखने के लिए? कहां रख रहे हो कभी यार? एक नाम लिख रहे हैं तो उसके बाद अंगड़ाई ले रहे हैं सब, पता नहीं कहां से कॉपी खोज के ला रहे हैं फिर उसमें लिख रहे हैं। अरे सामने कॉपी है, साथ साथ में लिख के चलो, हम मिटाते चलेंगे भाई, लिखते लिखते लिखो जाना लिखो। चार दिन की जिंदगी, एक दिन नॉमिनेचर में ही चला जाना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये इसको कहा जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? कोई समस्या? अभी इस पर फिर से आएंगे, एक और चीज बता देते हैं। अभी तक तुमने जितनी भी चीजें देखी सब चेन में देखी, चेन के साथ साथ एक और चीज होती है रिंग। क्या होती है? रिंग। अगर क्लोज है, चेन ना रहे, उसका एक छोर हमें ना पता रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? रिंग। रिंग में कुछ भी अलग नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? ये जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट में, वर्ड रूट में हम लोग देखेंगे, वर्ड रूट के जस्ट पहले एक प्रीफिक्स आ जाएगा साइक्लो। क्या जाएगा? साइक्लो। क्या जाएगा? बस और कुछ नहीं, बस इसके बीच में क्या जाएगा? साइक्लो आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे। जैसे तो ब्लैक हो गया क्या? करिया हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, यह है CH2। सारा रूल उसी तरह से रहेगा। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात ये सुनाई दी है कि नहीं? सब कुछ सेम वही रहेगा। ठीक, ये बात समझ में आई? क्योंकि थोड़ी देर बाद अब बोलोगे सर समझ में नहीं आया, सारा रूल वही है, भूल जाओ ये साइक्लिक है, बस वर्ड रूट के पहले साइक्लो लगा देना। ठीक है, क्या इसमें कोई अल्किल समूह है? नहीं सर। नहीं है। कोई भी ऐसा कार्बन दिख रहा है जो तीन कार्बन से जुड़ा है? नहीं। दिख रहा है? नहीं। तुमको दिख रहा है क्या? तो बोलो नहीं। कोई ऐसा कार्बन दिख रहा है जो तीन कार्बन से जुड़ा हो? नहीं, नहीं।, नहीं दिख रहा है। तो अल्किल समूह नहीं है, यहां से यहां तक का काम खत्म। फंक्शनल ग्रुप तो अभी आना ही नहीं है लगभग 100-150 तक। ठीक, क्या है वर्ड रूट? कितने कार्बन है? एक, दो, तीन। प्रोप, तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड एन, बस साइक्लोप्रोपेन। यही वर्ड रूट के पहले क्या लगा देंगे? साइक्लोप्रोपेन। कोई समस्या? कोई समस्या है क्या? यहां पर देखो CH2। ये चेन है कि रिंग है? चेन है कि रिंग है? चेन है कि रिंग है? काहे बोल नहीं रहे हो मरियल? नहीं तो चेन है कि रिंग है? रिंग है। ठीक, चेन साफ साफ दिखता है, एक एंड होता है, दूसरा एंड होता है। ठीक, कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं इसमें, तो कोई समस्या? कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। एक, दो, तीन, चार। क्या किसी भी कार्बन से कोई अल्किल समूह जुड़ा है? कोई अल्किल समूह नहीं जुड़ा है। ठीक, यानी कि
अल्किल समूह वाला काम नहीं करना है। चार कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। बस ब्यूट के आगे क्या लगा देंगे? क्या नाम आ जाएगा इसका? साइक्लोब्यूटेन। कोई समस्या? कितने हो गए इसके पहले? कितना हो गया था? 14 हो गए थे। अरे यार क्या सब लोग तो एक चित्राम करा रहे, उतना कर रहे हो ना कि अपने मन से कर रहे हो? कितने हो गए? 12। शांत शांत रहो। ये कौन सा नंबर है? तेरह। ठीक, अब इसके बाद 14वां करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इधर जाए लो। CH2 बढ़िया रिंग नहीं बनते। CH2 ये रिंग है कि चेन है? है। चेन है कि रिंग है? रिंग है कि चेन है? चेन है कि रिंग है? दोनों कैसे हो सकता है? चेन पता है क्या होती है? चेन का मतलब होता है जिसका एक छोर हो और दूसरा छोर हो। ठीक, रिंग का मतलब होता है जो क्लोज हो। रिंग है कि चेन है? इतना भी तुम लोगों को नहीं पता है क्या? कल ही पैदा हुए हो, क्या लग रहा है? सुबह उठते हो तो हाथ मुंह धोते हो कि नहीं, कि स्कूल में आते हो सीधे? आकाशानी, चेन है कि रिंग है? रिंग है। इधर से दो चार शुरू से ही चेन बोल रहे थे, थोड़ी देर बाद रिंग बोलना शुरू कर दिए। क्यों चेन बोल दिए? क्योंकि डंडी इसमें से निकल गई है, इसलिए चेन हो गया। कुछ अलग है, वही कह रहे ना, जो चीज नहीं है। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है, तो तुम 10 रुपए का इस्तेमाल कर सकते हो? तो जब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो उसका इस्तेमाल क्यों करते हो? तुम्हारे पास अनु दिमाग नहीं है तो क्यों उसका इस्तेमाल करते हो? हैं? ये एक डंडी खींच गया है तो ये हो सकता है कि चेन बन गया। चेन क्या होता है, रिंग क्या होता है, ये पता हो तब आगे बढ़ा करो। चेन का मतलब है जिसमें एक छोर हो और दूसरा छोर हो। रिंग का मतलब होता है जिसमें कोई छोर ना हो। इसमें कोई अल्किल समूह है? अल्किल समूह है। किस कार्बन से जुड़ा है? पहले से। अरे भैया रिंग में हम तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो जहां से चेन जुड़ी होगी वहीं से शुरू कर देंगे। 1 2 3 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। अरे इसका नाम तो लिख दिया ना यहां पर। साइकिल में कितने हैं? 3। प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। कोई समस्या? 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। नेक्स्ट 15वां CH2 CH CH CH3 CH3। अब हम लोग से पूछेंगे नहीं, बताते चल रहे हैं। ठीक है, अब ये है चेन या रिंग? रिंग है। ठीक, रिंग में एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, तो इसका हो जाएगा 1,2-dimethyl साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? छाप लो जल्दी से, 1,2-dimethyl साइक्लोप्रोपेन। छाप लिए? आप ध्यान से सुनो, अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना और आसान हो जाता है। ठीक है, अभी जो बता रहे उसको लिखना नहीं, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना और आसान हो गया। इसका नाम क्या हो गया?
साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो गया साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम क्या हो गया साइक्लोपेंटेन, इसका नाम हो गया वन मिथाइल साइक्लोपेंटेन, वन टू डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, वन मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक, चलो अब सबका लिख करके दिखाओ। यहां पर हम लगभग 23-24 सौ लिख दे रहे हैं, उसका लिख करके नाम हमें दिखाओ। कितना हो गया है? 16 हो गया ना, कितना 15। आवाज नहीं, अरे छापते चलो यार, बुलर बुलर करने लगे मक्खियों की तरह। फिर बोल रहा है यहां पर देखो बी नहीं लिखे हैं, क्योंकि बी बाईसाइक्लो ग्रुप होता है, उसके लिए एक अलग रूल लगता है, वो तुम लोगों को इस साल हम बताए नहीं करेंगे। ठीक है, बाईसाइक्लिक ग्रुप होता है उसमें एक छोटा, बहुत मुश्किल नहीं है, है बहुत आसान। ठीक, लेकिन इतना कर लो वही बहुत बड़ी बात है, हम छोटा सा हिंट दे देते हैं। ठीक, ध्यान से देख लो, जिसको करना होगा उसको समझ में आ जाएगा। ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है, साफ साफ समझ में आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा वन टू डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। बहुत अच्छे, इसका नाम क्या लगा, 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन, इसका नाम साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम 2-मिथाइल पेंटेन, 1, 2, 3, 4, 5 दूसरे पर अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2-मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 2-मिथाइल ब्यूटेन, 1, 2, 3, 4 2-मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3-मिथाइल हेप्टेन, 1, 2, 3, 4 2, 3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, जो एच का नाम होगा वही आई का भी नाम हो जाएगा, 2-मिथाइल 2, 3-डाइमिथाइल ब्यूटेन।
एक दो तीन चार पांच, दो मिथाइल पेंटेन, ऐसे ही सबका नाम लिखना है। ये सब लिख लिए, सब लिख लिए, 40 हो गया। अब 41, तब से क्या कर रहे थे? नहीं लिखो तो क्यों नहीं लिख रहे हो? समझ में आया? हमको तुम लोगों से ज्यादा या अपने से ज्यादा तुम लोगों पे भरोसा है। पहले मुझे भरोसा रहता था कि मैं समझा ले जाऊंगा, लेकिन फिर मैं आया बापू इंटर कॉलेज में और मिले तुम लोग, फिर मुझे अपने से ज्यादा तुम लोगों पे भरोसा हो गया कि तुम लोगों को समझा पाऊंगा ही। तुम्हें समझ में आना ही नहीं है। 41 हो गया ना? तिरालीस वाला ऐसे ही है, फिर से बना दे रहे हैं, फिर से वही बनाएंगे, कुछ अलग चीज थोड़ा बना देंगे। तिरालीस वाला यहां बना दे रहे हैं, थोड़ा जगह मिल जा रहा है। तिरालीस वाला तो बहुत आसान है, कितने कार्बन है इसमें गिन के बताओ? 12 हैं। 12 के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, यानी कि डोडेकेन हो गया। साइकिल है कि रिंग है? साइकिल है कि चेन है? साइक्लोडोडेकेन नाम हो गया इसका। मुश्किल है क्या? ये वाला करो, क्या बया करो इसको, पहले 42 तक पहुंचो। अरे पहले 43 तक पहुंचो तब 44 करना, 44 का नाम बता दे। अब शुरू किया जाए, बैठ के नाम लिखो, नाम लिखो, और नाम मेरे मुंह पे नहीं लिखना है, ठीक है? कॉपी पे लिखना, तो मुंह ना देखो। इतने पहले वाला सब यहां पर ये है, छाप लो एक बार और। और जो थोड़ा बहुत तुम लोग लीक कर रहे होगे कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, अब ये 10th लेवल का है, ये क्लास 10th लेवल का, अभी 11th में तो हम बुझे ही नहीं है अभी। समझ में आई बात? तो ये चीज तो तय है कि ये तुम्हारे हैसियत के अंदर की ही चीज है। हम तो चलो व्यंजन, अरे पहला दूसरा तीसरा तो लिखो। अरे अब इसका नाम लिखो। अरे वी तो आ रहा होगा, प्रोपेन है, ये भी नहीं आ रहा होगा। अब तुम लोगों को दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती। इतना डिटेल में 2 दिन से चल रहा है नॉमेनक्लेचर, हमें ऐसे बना, ये ऐसे कर दिए,
कर्ण, दो तीन चार। हर कॉर्नर पर एक कार्बन होता है, बात समझ आ रही नहीं? जितने कॉर्नर होंगे वहां पर एक एक कार्बन एज्यूम करो। दूसरे तीसरे कार्बन पर ये ब्रांच है, टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन, करो तब ना आएगा। देखो सबसे बढ़िया तरीका है इस तरह से। अच्छा तो पहले वाला क्या? अरे पूरा बना भाई, मंदिर के ऊपर झंडा भी है। कहाँ छह कार्बन? तो वो ब्रांच में है ना, चेन वाले कार्बन को ब्रांच में ना घुसेड़ दो, ब्रांच वाले को चेन में ना घुसेड़ दो। टू 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 टू, ये इथाइल नहीं है, ये अलग अलग है ना, एक ये हो गया एक ये हो गया। अगर यही इसी में और ऐसे चेन जुड़ी रहती तब इथाइल हो गया। टू टू, एक दो तीन, टू टू डाई मिथाइल, समझ में आई बात आपको? ये प्रोपेन बहुत अच्छा, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन, वन टू डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन बहुत अच्छी, थ्री मिथाइल पेंटेन। अभी नौ समझा रहे, ठीक समझ लेना इसे, नहीं समझा तो बताना बाद में लेंगे। तो बहुत आसान, एक दो तीन चार, टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन, समझ में आया? क्वेश्चन लिखे हो सही कर रहा है। देखो हम बता उसको रहे हैं जो एक तो किया हुआ है, अब यहाँ शुरू से हम कल वाली चीज से समझाना नहीं शुरू करेंगे। वन टू डाइव डी आई होता है बस, करेगा डाइव फाइव साइक्लिक कहाँ है, ये चेन है, साइक्लिक ये होता है ना, ब्यूटेन, एक दो तीन चार पांच, ये हो गए पांच कार्बन की चेन, और तीसरे कार्बन पे एक ब्रांच निकला हुआ है, थ्री थ्री ब्रांच में एक कार्बन है, थ्री मिथाइल पेंटेन, ठीक समझ गया कि नहीं? कर रहे हो? अरे को लिखो तब हम बाकी का कुछ बताएंगे। कौन वाला आ रहा है? आ रहा है हल्का। अरे एक दो तीन, तीन सिंगल बॉन्ड है, ये कितने कॉर्नर है ना, इसको कार्बन समझ लो, और नहीं ये एक तो ये तीन कार्बन, तीन कार्बन के समझ गए नहीं? अब किसका होगा, इसका होगा एक तीन चार आ रहे, पहला कार्बन, तीसरा चौथा आई मिथाइल, हाँ वो पूछो साइक्लो ध्यान से सुनो जरा, कौन सा
ये जो अल्फा एक अवधिया क्या नहीं अवधिया हाँ अब आएगी ध्यान से सुनो ये वाला बना देना ठीक है। ये जो अल्फाबेट है जैसे हम बनाए वैसे बनाओगे तभी इसका नाम तुम लिख पाओगे जो हम चाहते हैं। अपने नाम से अगर कुछ इसमें जोड़ दोगे तो उसका नाम बदल जाएगा ठीक। ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा लेकिन जो हम लिया वो नहीं आएगा। जी वाले में समस्या आ रही है चलो जी वाले बता देते आ रहा है पूरा चलो ठीक है जितना आ रहा है उतना देख लो। जी कुछ ऐसा बनाया हम आवाज नहीं जी कुछ ऐसा बनाया गया है ठीक साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारी एक चेन एक दो तीन चार पांच छह सात सात कार्बन की एक चेन दिख रही है जहां पर तीसरे कार्बन पर एक ब्रांच निकला हुआ है ठीक है। देखो एक काम करोगे तो आसान हो जाएगा ये जितने कॉर्नर हैं इन पर ऐसे डॉट बना दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है कार्बन है और इनके इनके भी सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन से हमको मतलब ही नहीं है हाइड्रोजन का तो हमने क्वेश्चन में कोई रोल ही नहीं था। अब इसका नाम आसान हो गया कि नहीं थ्री मिथाइल अब अगर अगला टर्न हम लोगों को मिलता है पढ़ाने के लिए तो उसमें जितने अल्फाबेट्स हैं उन सबका नाम हम एक बार लिख देंगे ठीक है क्लियर हो गया।